गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हमारा हिंदी में पार्ट 17 सफलता का रहस्य। हमने इसके कठिन शब्द शब्दार्थ किए और हम इसकी अब एक्सरसाइज करेंगे। अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं आज हम वो करेंगे। प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे पहले देखिए शब्दार्थ भी आपको करवाए जा चुके हैं। आज हम करेंगे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। ज्ञान विज्ञान का खजाना हमें कैसे मिलता है? रियासत में, विरासत में, खिलाफत में और मुसीबत में। आंसर इज विरासत में। अपनी बात को सशक्त एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? संवाद कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल और दृश्य कौशल। आंसर इज संवाद कौशल। इस पाठ में सफलता प्राप्त करने के कुल कितने सूत्र बताए गए हैं? 8, 5, 10 और 11। 11। दसवां सूत्र क्या है? संवाद कौशल, आत्मविश्वास, समय और लक्ष्य का निर्धारण। आंसर इज आत्मविश्वास। नेक्स्ट हम करेंगे भाषा की समझ में निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। सकारात्मक का नकारात्मक, अनुकूल प्रतिकूल, सदुपयोग दुरुपयोग, अल्प अधिक। अल्प का अर्थ होता है कम और इसका हो जाएगा विलोम शब्द अधिक। स्पष्ट अस्पष्ट, सार्थक निरर्थक, अनिवार्य वैकल्पिक, उपयोगी अनुपयोगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। इच्छा रखने वाला ऐच्छिक, अपने पर विश्वास आत्मविश्वास, बोलने में कुशल संवाद कुशल, ठीक उपयोग सदुपयोग, ऊपर कहे गए उपर्युक्त, वित्त संबंधी वित्तीय। आगे आपको कहा गया है सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छी प्रकार, सुसंगठित का अर्थ है अच्छी प्रकार संगठित किया गया। तो निम्नलिखित शब्दों में सु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए तथा उनका अर्थ भी लिखिए। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ शब्द, हमने इनके साथ सु उपसर्ग लगाना है और उनका अर्थ लिखना है। पुत्र, देखिए हमने पुत्र के साथ सु लगाया तो क्या बन गया? सुपुत्र, और इसका अर्थ हो गया अच्छा पुत्र। ऐसे ही है कर्म, कर्म के साथ जब हमने सु लगाया तो ये हमारा हो गया सुकर्म, सुकर्म का अर्थ है हमारा अच्छा कार्य। आगे है हमारा फल, फल का बनाया सुफल, इसका अर्थ है अच्छा परिणाम, निश्चित सुनिश्चित, पहले से ही निर्धारित, योग्य सुयोग्य, सही उचित। पठित, पठित के साथ सु लगाया तो सुपठित, सुपठित का अर्थ है अच्छे ढंग से पढ़ा गया। विदित सुविदित, अच्छे ढंग से कहा गया। आगे है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। शिक्षक, शिक्षक का अध्यापक और गुरु, धन पैसा दौलत, प्रयास कोशिश प्रयत्न, गंगा भागीरथी मंदाकिनी, अहंकार घमंड अभिमान, इच्छा अभिलाषा कामना। आगे है निम्नलिखित शब्दों में इत प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग जो होता है, हमने जो ये लगाया था सु, तो ये हमारा शब्द से आगे जुड़ता है उपसर्ग, और प्रत्यय जो होता है ये हमारा पीछे लगता है। देखिए पुष्प जमा इत पुष्पित, आनंद जमा इत आनंदित, आनंदित यहाँ पर बिंदी भी आ सकती है, ठीक है, जिस तरह से ये लिखा गया है। चिंता जमा इत चिंतित, हर्ष जमा इत हर्षित, पीड़ा जमा इत पीड़ित, भ्रम जमा इत भ्रमित, सम्मान जमा इत सम्मानित, अपमान जमा इत अपमानित। आगे है विशेषण और विशेष्य के सही जोड़े बनाइए। कठिन परिश्रम, सफल शिक्षक, प्रसन्न मन, सर्वोत्तम व्यक्ति, प्रतिकूल भाग्य और सकारात्मक सोच। आपको ये मैच करने हैं। लास्ट हमारा है निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लक्ष्य, हमने इसका वाक्य बनाना है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है। सेकंड है सकारात्मक, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। प्रतिभा, कल मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। सदुपयोग, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए।
प्रगति, कार्य प्रगति पर है। तो आपने ये इनके वाक्य बनाने हैं और आप इसके अपने आप से भी कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट है, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।